व्यर्थ समय, बाबा ने कहा व्यर्थ समय नहीं गवाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, सारी ये कितनी बातें सुनावे तो यह तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनको मुख्य मुख्य बातें जो है यह दान करना है, यह दान के रूप में हमें उनको देना है ताकि उनकी बुद्धि में अच्छी बातें मुख्य बातें भर दे। बाकी अगर हम सुनाएंगे फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, इधर ये है, वो है, तो ये सब बातें व्यर्थ है। बाबा ने कहा कि व्यर्थ बातें बंद करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। दुनिया में क्या है, न्यूज़पेपर में क्या आता है, पॉलिटिक्स आता है, बहुत कुछ आता है टीवियों में, लेकिन हमें उनसे दूर रहना है। पॉलिटिकल बातें आजकल बहुत होती है, लेकिन ब्राह्मणों को यह पॉलिटिक्स मेन नहीं है। हमारा मेन ये क्या है, बाबा को याद करना है। तो बाबा को याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाबा की ज्ञान। तो बाबा का ज्ञान के ऊपर ही हमें ध्यान देना है। हमें भले पीस ऑफ माइंड देके या मोबाइल में कुछ सुने, अच्छे अच्छे गाना सुने, अच्छे अच्छे क्लासेस सुने, लेकिन व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ब्राह्मणों में एक आदत है कि न्यूज देखने का, कितने लोग न्यूज देखते हैं यहाँ पर टीवी में, न्यूज देखते हैं ना, देखते हैं, देखना तो चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, लेकिन टाइम ज्यादा उसमें नहीं गवाना, बुद्धि उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि है ना, यह एक एनर्जी ताकत है, यह संकल्पों की एनर्जी है, संकल्प शक्ति है। हम व्यर्थ बातों में अगर समय गवाएं तो वही बुद्धि में चलती रही है, पॉलिटिक्स की बातें हो या दुनिया की बातें हो। आज बाबा ने क्या बताया, मुख्य परेश कौन सी करनी, पुरानी दुनिया की परेश, माना देखते हुए भी पुरानी दुनिया को नहीं देखो, देखते हुए पुरानी दुनिया को नहीं देखो, माना हमारे मन में वह चले जाए, मन में पुरानी दुनिया नहीं चलनी चाहिए, हमें आने वाली नई दुनिया ही देखनी। बाबा ने बताया ना, एक आंख में स्वीट हो, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी, माना हमारी बुद्धि में सदा यही रहे। स्वीट होम, स्वीट होम में कौन रहते हैं, शिव बाबा, और स्वीट राजधानी में कौन रहते हैं, कौन आने वाले हैं, हम बच्चे। तो हमारी बुद्धि में यही रहे, बाकी पुरानी दुनिया के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी। आसक्ति वहां जाएगी तो क्या होगी, बुद्धि वही जाएगी, फिर हम भी वही चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, हमारे अपने समय वेस्ट नहीं करना।